युवा मन की बात कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 और G20 समिट की सफलता पर की बात। देश को मिली 9वें वंदे भारत ट्रेन, पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने तेजू एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। कुल 212 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है तेजू एयरपोर्ट। महिला आरक्षण लागू करने को लेकर सियासी घमासान जारी। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बिहार में बड़ी सियासी उठापटक के 4 संकेत। लालू से मिलकर जेडीयू दफ्तर पहुंचे नीतीश। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 105वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात के एक और एपिसोड में मुझे आप सभी के साथ देश की सफलता को, देशवासियों की सफलता को, उनकी प्रेरणादायक जिंदगी के सफर को आपसे साझा करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए अफ्रीका यूनियन को सदस्य बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों सालों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है। पीएम ने कहा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन के साथ भी सुना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री का शपथ लिए लगातार अंतिम रविवार को अपनी मन की बात जनताओं के साथ शेयर करते हैं और देश विदेश में जो भारतीय लोगों का जो मानसिकता है और आज अभी आप देखे होंगे जो जर्मनी में एक बच्ची जो गुणगान कर रही थी आज उसको भी दिखाने का मन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई वंदे भारत ट्रेन देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार और रेल यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है। यही तो आज का भारत चाहता है। यही तो नए भारत के युवाओं, महिलाओं, कारोबारियों और नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की प्रेरणा है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। बता दें ट्रेन के नए कोच में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में पहले से ही 25 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और अब 9 और ट्रेन जोड़ी गई है। वो दिन दूर नहीं जब ये ट्रेन देश के सभी हिस्सों को जोड़ेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नवे वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा वंदे भारत ट्रेन की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसमें भारी तादाद में यात्री सफर कर चुके हैं। जिस रूट पर ट्रेनों को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है उस पर वर्तमान में सबसे तेज ट्रेन की तुलना में राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस और कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 3 घंटे तेज होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ अपग्रेडेड तेजू एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि तेजू एयरपोर्ट पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन होना है। वहीं मौजूद समय में ये एयरपोर्ट एक ही रनवे के साथ संचालित होता है। ये एयरपोर्ट कुल 212 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ये प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के कारण हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में केवल 9 एयरपोर्ट थे जिसकी संख्या अब 17 हो गई है। ये कनेक्टिविटी सामरिक महत्व और समृद्धि लाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि लाने का एक माध्यम है।
बिहार में आज रविवार को एक घंटे के दौरान बड़े सियासी उठापटक के चार चार संकेत मिले हैं। इन संकेतों के चलते सियासी हलचलों में चर्चा तेज है। दरअसल सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुला ली है। इसके बाद लालू यादव से मुलाकात के लिए सीएम राबड़ी देवी के आवास भी गए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब आधा घंटे तक बातचीत हुई। यहां नीतीश कुमार अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया, जिसमें सीएम को लेकर उनके सुर बदले हुए नजर आए। बिहार की सियासत जो चार संकेत मिले हैं ये काफी अहम है। बता दें कि रविवार सुबह ही जेडीयू नेता और बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश हजारी ने दावा किया था कि INDIA गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। ऐसे में कैबिनेट बैठक का बुलाया जाना और लालू यादव से उनकी मुलाकातों को जोड़कर देखा जा रहा है। महिला आरक्षण जल्द लागू करने को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस मामले को लेकर बीजेपी और केंद्र नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने परिसीमन को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा तो कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की तुरंत महिला आरक्षण लागू करने की मांग पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक है, इससे पहले परिसीमन कैसे कराया जा सकता है। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, अगर वो सीट महिला के लिए आरक्षित कर दे तो क्या वो हमारी आलोचना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए परिसीमन सीमित तय करेगी कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2009 में महिला आरक्षण विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में क्यों पेश किया था। लोकसभा में लाने से पहले ही कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए विधेयक गिरा दिया था। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।